कोरोना वायरस को न डरने के ये नौ कारण। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कोरोना वायरस को डरना नहीं है, बहुत ज्यादा डरावना चित्र सामने लाया हुआ है मीडिया ने, अखबार जो है उन्होंने, प्रिंट मीडिया ने। इसको नहीं डरने का कारण ये है, नंबर एक कि ये कोरोना वायरस से नया जीव निर्माण होने का चांस बहुत कम है, मतलब इसका म्यूटेशन नहीं होता है, नंबर एक, तो जल्दी कंट्रोल में आ सकता है। नंबर दो, ये वायरस को डिटेक्ट करने के लिए मतलब डायग्नोस से भी उपलब्ध है, अभी डायग्नोस हो सक रहा है, तो ये नंबर दो कारण है। नंबर तीन है कि चीन में जहां से वो चालू हो गया तो चीन देश में अभी ये कंट्रोल में आया हुआ है। नंबर चार, इसका मृत्यु दर जो है सिर्फ 2% है, 2%। नंबर पांच, बहुत ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, मतलब टोटल दुनिया भर में आज तक अप्रोक्सीमेटली 5,000 लोग मरे हैं, अप्रोक्सीमेटली, मतलब परसेंटेज वाइज ये आंकड़ा बहुत कम है, 2% है सिर्फ। 20 साल के नीचे, उम्र के 20 साल के नीचे बाधा होने का प्रमाण सिर्फ 3% है 20 साल के बच्चों को, उसके नीचे बच्चों को। 40 साल के नीचे जो है उनका मृत्यु दर सिर्फ 0.2% है, छोटे बच्चों में तो बिल्कुल ही नगण्य है कोरोना। नंबर सात, बार बार हाथ धोना साबुन से या सैनिटाइजर से, जिसमें अल्कोहल का प्रमाण 60% है, तो बार बार हाथ धोना, मास्क लगाना, सीखते हुए रुमाल रखना, बस ये इतना ये कंट्रोल कर लिया तो कोरोना होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। आठ, करीब करीब 8 जगह में अभी ये इसकी लस मतलब वैक्सीनेशन का काम चालू है और वैक्सीन जल्दी ही तैयार हो जाएगा। और 9, गवर्नमेंट ने अभी जहां वहां भीड़ में नहीं जाने के लिए सब तरह अभी निर्बंध लगाए हुए हैं, तो लोग अभी मतलब वहां जाएंगे नहीं तो फैलने के चांसेस बहुत कम है अभी, क्योंकि लोग ज्यादा जहां जमा होते हैं वहां ज्यादा फैलना संभव है। तो ये 9 कारण है कि जिसके वजह से हमने कोरोना को डरना नहीं चाहिए, और जो भी आ रहा है उसका सामना होगा, हमने केयर लेते हैं तो कोरोना होने के चांसेस एकदम नील है, नगण्य है। आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को ये शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।